हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम समर स्पेशल में बनाने जा रहे हैं एप्रिकॉट सीड्स की चटनी। ये जो एप्रिकॉट सीड्स हैं, इसके हम स्टफिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने पुदीना, गुठली और प्याज लिया है चटनी बनाने के लिए। आज की जो हमारी चटनी है वो बनने वाली है सिलबट्टे पर। सबसे पहले हम गुठली को ही पीसेंगे जब तक ये थोड़ी मीठी सी नहीं हो जाती, क्योंकि ये थोड़ी कड़वी गुठली थी, इसलिए इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। और फिर इसमें ऐड कर देंगे प्याज और टमाटर। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको पीसते जाएंगे। पानी डाल के ही ये जो हमारी चटनी है वो थोड़ी पतली सी होती जाएगी, हमारी जो गुठलियाँ हैं वो पतली सी होती जाएगी। ऐसे ही हमने बढ़िया से पीसते जाना है। देखिए, मैंने ऐसे पीस लिए हैं और साथ में ही मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है अपना नमक डाल दिया था, और साथ में थोड़ी सी पिंच पर इसमें देगी मिर्च डाली थी, जिससे थोड़ा कलर रेड सा आ गया है। तो अब हम इसको अच्छे से पीसते जाएंगे और पानी भी ऐड करते जाएंगे, जिससे हमारी जो चटनी है वो थोड़ी पतली सी पिस जाए। सिलबट्टे पर जो है चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। वैसे तो आजकल मिक्सी ग्राइंडर में ही बनाई जाती है, पर पहले के जो लोग होते थे वो बनाते थे सिलबट्टे पर, इसलिए वो बहुत ही स्वाद होती थी। और ऐसे ही हम भी आज स्वादिष्ट वाली चटनी बना रहे हैं, बढ़िया चटपटी सी चटनी। बस ऐसे ही आपने इसको पीसते जाना है, पानी ऐड करते जाना है, अपनी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। और देखिए, हमने अच्छे से पीस ली है चटनी। गर्मी के मौसम में चटनी तो सभी को ही पसंद होती है, और जो तो गुठली की चटनी है वो तो बहुत ही लाजवाब होती है। गुठली से आप जो है स्टफिंग भी बना सकते हो, वो उसकी स्टफिंग बनाना भी मैं आपको बता दूंगी। और देखिए, ये हमारी चटनी हो गई है तैयार। देखिए, ये हमने सर्व कर दी है और आप देख ही रहे होंगे ये कितनी अच्छी लग रही है। थोड़ी सी दरदरी सी है और बहुत ही टेस्टी बनती है ये चटनी। आप भी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपकी घर पर चटनी कैसी बनी है, गुठली की चटनी। और हाँ, साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो बेल आइकन है ना, वो भी प्रेस करें, ताकि जो मेरी नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू।